क्या झारखंड आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है? क्या अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठन अब झारखंड में भी अपने पांव पसार रहे हैं? क्या अब झारखंड में जमीन घोटाले के तार आतंकियों से भी जुड़ने लगे हैं? दरअसल पिछले दिनों की घटना ने ये सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। झारखंड की एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम और दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये ऑपरेशन विफल हो जाता तो शायद बहुत बड़ी वारदात अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़े होने के संदेह में झारखंड से 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 3 से पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं इस अभियान के तहत देश भर में अब तक 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान जांच टीम को चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। दरअसल इस आतंकी गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रांची के मेडिका अस्पताल के डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं। डॉक्टर इश्तियाक तब पकड़ में आया जब बरियातू के जोड़ा तालाब के पास एक अपार्टमेंट में गुरुवार को ATS की टीम ने अचानक छापा मारा। इश्तियाक यहीं रहा करता था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि डॉक्टर इश्तियाक की मंशा थी कि वह देश के अंदर खिलाफत की घोषणा करे और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाफत किस बला का नाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैगंबर मुहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस्लामिक धर्म के कानून के अनुसार लोगों का नेतृत्व करता है वह खलीफा कहलाता है और उसके शासन को खिलाफत कहा जाता है। सबसे खूंखार आतंकी संगठन कहे जाने वाले ISIS ने साल 2014 में अपने प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को खलीफा घोषित किया था। वह इराक और सीरिया में पूर्ण इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था। इसी तरह डॉक्टर इश्तियाक भी भारत में आतंकी हमलों के जरिए इस्लामिक शासन लागू करने की फिराक में था। AQIS के संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में स्वीकारा है कि उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। वे देश में दंगा फसाद करवाकर अशांत करने की योजना बना रहे थे। युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर पूरे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों की बड़ी फौज तैयार कर देश के अंदर आतंक मचाने के लिए उनकी अंदर खाने में तैयारी चल रही थी। इसके लिए वे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि इस अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट नामक आतंकी गिरोह का नेटवर्क झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। यह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा का ही एक ब्रांच है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा और बांग्लादेश आदि देशों में इसे सक्रिय बताया जाता है। यह संगठन इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए जिहाद चाहता है। इस संगठन से जुड़े लोग झारखंड में आतंक का प्रचार, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए लोगों को संगठन में भर्ती करते हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी झारखंड सहित देश के अलग अलग कोनों से युवाओं को इस कट्टरपंथी संगठन से जोड़ने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार डॉक्टर इश्तियाक मुस्लिम युवाओं को बेहतर भविष्य का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने 2 दर्जन से अधिक युवाओं को राजस्थान के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिलवाया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर इश्तियाक रांची के चान्हो के जंगल में आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र खोलने वाला था। इसके लिए उसने जमीन भी देख ली थी। इसमें चान्हो के चटवल में मदरसा संचालक मुफ्ती रहमतुल्ला उसकी मदद कर रहा था। इसी प्रशिक्षण केंद्र में आतंकियों को हथियार की ट्रेनिंग दिलाई जानी थी। उसके लिए हथियारों का जुटान भी किया जा रहा था। जांच टीम ने इश्तियाक समेत अन्य आरोपितों के ठिकानों से अरेबिक में लिखे हुए कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे, जिनकी फिलहाल जांच चल रही है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये आतंकी देश में आत्मघाती हमला करने वाले थे।
डॉक्टर इश्तियाक के बारे में बात करें तो वह पिछले 6 सालों से मेडिका में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है। वह मूल रूप से जमशेदपुर के मानगो के आजाद नगर का रहने वाला है और फिलहाल बरियातू के जोड़ा तालाब स्थित एक अपार्टमेंट में रह रहा था। इसके अलावा डॉक्टर इश्तियाक का हजारीबाग में भी क्लिनिक है। मेडिकल की पढ़ाई उसने रांची के रिम्स से ही की है। रिम्स से ही रेडियोलॉजी की भी डिग्री उसने हासिल की। उसके बारे में बताया जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वह किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में भाग नहीं लेता था। वह अकेला रहना पसंद करता था। इससे उसके साथियों और शिक्षकों को लगता था कि वे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। वहीं मेडिका अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि वह काम के अलावा किसी भी अन्य विषय पर बात नहीं करता था। वहीं डॉक्टर इश्तियाक के अलकायदा के भारत मॉड्यूल के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कटकी से कनेक्शन के भी खुलासे हुए हैं, जो साल 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और केवल डॉक्टर इश्तियाक ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रकरण में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें कईयों के पूर्व में अब्दुल रहमान कटकी से मुलाकात भी हो चुकी थी। कटकी ने ही इस आतंकी संगठन का झारखंड मॉड्यूल भी तैयार किया था। उस दौरान ही ये बातें सामने आई थी कि कटकी ने जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला और रांची के कई युवाओं को आतंक का प्रशिक्षण दिया था। जिस चान्हों में आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्र के लिए जमीन देखी जा रही थी वह चान्हो पूर्व में भी कटकी की गतिविधियों को लेकर चर्चा में आ चुका है। कटकी पर रांची के चान्हो, लोहरदगा और गुमला में पूर्व में सभा करने और युवाओं में देशद्रोह की आग भड़काने की कोशिश करने का भी आरोप लग चुका है। जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर इश्तियाक और उसका करीबी अलीगढ़ निवासी डॉक्टर एजाज लंबे समय से कटकी से जुड़े हुए थे। साल 2010 के बाद कटकी ने झारखंड के जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा और हजारीबाग का दौरा किया था। इन शहरों में तकरीर नाम के एक शख्स के जरिए वह मुस्लिम युवाओं से मिला। इस दौरान झारखंड के रहने वाले सैकड़ों मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी के रास्ते पर लाकर उसने स्लीपर सेल बनाया था। कटकी के गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर इश्तियाक उसके आतंकी मॉड्यूल को आगे बढ़ा रहा था। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसके लिए ज़रूरत थी ट्रेनिंग सेंटर के लिए ज़मीन की। इस वजह से अब इसके तार जमीन घोटाले से भी जुड़ गए हैं। अब इसमें ईडी की टीम भी हस्तक्षेप कर जमीन घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसका अलकायदा कनेक्शन तलाशने की कोशिश कर रही है। जमीन घोटाले के इस केस में ईडी ने बरियातू के लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। बबलू खान कोई और नहीं बल्कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार अफसर खान का भाई है। अफसर खान रांची के रिम्स में एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि अफसर खान ने जमीन की प्रकृति में बदलाव के लिए दस्तावेज में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी। वह इस काम में माहिर था। अफसर खान का एक्सरे तकनीशियन होना भी डॉक्टर इश्तियाक से उसके कनेक्शन के तार जोड़ने वाली कड़ी हो सकती है। फिलहाल अफसर खान रांची के होटवार जेल में सलाखों के पीछे कैद है। ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि लेक व्यू अस्पताल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। जांच एजेंसी को शक है कि जमीन घोटाले के अवैध पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में और जानकारी आनी बाकी है। आगे चलकर इसमें कई और नए खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इतनी ही जानकारी से समझा जा सकता है कि इस आतंकी गिरोह का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और कहां कहां इसके अपने जाल बिछे हुए हैं। झारखंड अब आतंकवाद की चपेट में आता दिख रहा है। खैर, आप सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी ज़रूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।